खिताब के लिए दावत दूंगा आसिफ निस्वाना साहब को कि वो आए अपने ख्याल का इजहार करें। अगेन दरख्वास्त मुख्तसर खिताब की है, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मेंबरान बार, सबसे पहले तो जो रेजोल्यूशन थी भाई ने पेश की है, हम में से कोई दूसरी राय नहीं है, हम सब कश्मीर फ़लस्तीन के जो लॉन्ग लास्टिंग फ्रीडम स्ट्रगल है हम उसको सल्यूट पेश करते हैं। और इस आड़ में इसराइल की जारहियत और जेनोसाइड जो फ़लस्तीनी मुसलमानों, बच्चों, औरतों और मर्दों की कर रहे हैं, उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इस सिलसिले में जो हमारे अमेरिका यूएन के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी हम शदीद मज़म्मत करते हैं कि एक तरफ यूक्रेन पर पूरे वो उनकी सपोर्ट करते हैं कि उनके हकूक़ पर हमला हुआ है, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन उन पर पूरा मुल्क पर जो कब्ज़ा कर लिया गया है उसमें वो पूरी तरह जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं यही अपने मेंबरान से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे भाई आज इस मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ उनकी मदद के लिए जो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, हमें उसमें भी बढ़कर चढ़कर जो है वो शिरकत करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा अहम तरीन इशू हमारे मुल्क में है, 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ को मुखातिब करदा जो ख़त है वो हमारे पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में एक अनप्रेसिडेंटेड और अब तक की सबसे अहम तरीन एक इवेंट है। और हमें इन 6 जजेस को पूरी तरह अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके साथ होना चाहिए। और ये सिर्फ एक ख़त नहीं बल्कि ये एग्जेक्टिव और हमारे जो खुफिया अदारे हैं उनके खिलाफ एक चार्जशीट है और इसमें तमाम एलिगेशंस पर्सन स्पेसिफिक हैं। और पहले और अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमने उम्मीदें उनसे लगा ली हैं जिन्होंने पहले एक कमीशन बनाकर उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की, और जब कमीशन के सरबराह ने रिक्यूज़ किया तो उसके बाद एक लाइक माइंडेड जजेस का बेंच बनाकर सो मोटा लिया। मैं तजवीज़ पेश करता हूँ कि इस फोरम से हम इसको इस तरह बड़ा स्ट्रांगली यूनानिमसली रिजॉल्व करें कि सिर्फ और सिर्फ एक फुल कोर्ट बेंच बने जो कि डायरेक्ट इसको टेकअप करे और जो स्पेसिफिक एलिगेशन हैं उन जजेस से भी एविडेंस ले, जिनके खिलाफ एलिगेशन हैं उनको भी सुनकर डायरेक्ट इस पर जो है वो वर्डिक्ट आना चाहिए। इससे कम किसी सूरत ये इस मसले को हल नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच।